अरबी मसाला की सब्जी बनाएंगे। अरबी इस तरह का गोला गोला लेना है ताकि गलने में आसानी हो, और अरबी को चाकू के मदद से इस तरह से ऊपर से छीलेंगे, आसानी से छिला जाता है। इस तरह से कटिंग कर देना है, ऊपर का भी फंदी और नीचे का भी। चलिए पूरा छील लिए हैं, इसको गोटा भी आप बना सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। अभी हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग करके बनाना है। और ये एक को चार टुकड़ा, बड़ा हो तो छह टुकड़ा भी कर सकते हैं। कटिंग हो गया है, अब इसको वाश कर लेंगे पानी से, वाश दो तीन पानी से वाश कीजिए, क्योंकि इसको वाश करने में वाइट वाइट छोड़ता है। वाश हो चुका है, अब गैस में एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अब जो भी ऑयल डालते हैं वो वही आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मस्टर्ड ऑयल ही डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें पचफोरन डालेंगे, आधा चम्मच पचफोरन और एक सूखा लाल मिर्च। ये पचफोरन फ्राई हो गया है, अब इसमें तो मीडियम साइज कटिंग किया हुआ प्याज, इसको हल्का ही फ्राई करेंगे। अब इसमें अरबी डाल दिए हैं, इसको अरबी डाल के इसको पानी सूखने तक इसको फ्राई करेंगे, नमक हल्दी डाल के। और नमक स्वाद अनुसार ही डालें अपना, जितना आप कम खाते हो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें। और थोड़ा हल्दी, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे अरबी का पानी सूखने तक। इसको मतलब अरबी भी बोलते हैं, कच्चू भी बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं आप सब्जी को, इसको कच्चू को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसको ढक के पकाएंगे, ढक के फ्राई करने से ये थोड़ा गल भी जाता है। देखिए अरबी में थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया है, इस तरह से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। और अरबी ब्राउन करते समय प्याज भी फ्राई हो जाता है अच्छी तरह से, इसलिए शुरू में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। पानी अच्छे से पूरा सूख गया है अरबी का, अब इसमें गोलकी जीरा का पाउडर घर में पिसा हुआ है, और ये अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट है, इसको 3 चम्मच डालेंगे। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अदरक नहीं खाते हैं तो अदरक को स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से ऑयल छोड़ने तक पूरा अच्छे से फ्राई करना है ताकि कच्चापन ना रहे। और इसको ढक के ही इसको फ्राई करें ताकि अरबी भी गलता रहे साथ साथ में। इसको 2-3 बार ढक ढक के पकाए हैं और ये मसाला पक चुका है। ऑयल छोड़ दिया है, ये अच्छे से मसाला अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट ये सब फ्राई हो चुका है। और इसमें घर में पिसा हुआ गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला मार्केट से लाके घर में पीसे हैं, उसको छोटी चम्मच से डाल दिए हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है गरम मसाला डालने से। और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, कस्तूरी मेथी अभी हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। और 2 मीडियम साइज कटिंग किया हुआ टमाटर, इसको अच्छे से मिला लीजिए। और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे। अब इसमें पानी गरम करके ही डालें, कच्चू भी हाफ बॉयल हो चुका है इसलिए पानी थोड़ा कम ही डालेंगे। और पानी कम पड़े तो दोबारा भी पानी आप डाल सकते हैं। अब इसको ढक देंगे, अब फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। कच्चू अच्छे से
बॉइल हो चुका है, गल भी गया अच्छे से, एकदम सॉफ्ट गला है। इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, थोड़ा पानी सुखा लेंगे इसमें। ये पानी सूख चुका है, ये अरबी का सब्जी तैयार है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन अरबी का सब्जी बनके तैयार है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है, अभी मसाला अच्छे से फ्राई किया था मैंने। एक बार जरूर इसे बनाएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।